अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज है मंगल, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन हो गए हैं लगातार व्लॉगिंग कर रहे हैं। आज मैंने कहा कि 5-6 दिन को भी ना छोड़ा जाए। आज कोई मतलब के कोई रूटीन मुझे लग नहीं रही, लेकिन क्या पता बन ही जाए रूटीन, क्योंकि रूटीन का पता नहीं लगता, एकदम से बन जाती है। तो आज का दिन ऑफिस ही जाएंगे गुलबर्ग, फिर आगे देखेंगे क्या सीन बनता है। तो अभी हम ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, तो हमने कहा कि चलें व्लॉग आज कमरे के अंदर से स्टार्ट करते हैं। हमेशा से हम बालकनी से स्टार्ट करते हैं, तो आज हम कमरे के अंदर से जो है व्लॉग स्टार्ट करें। तो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। स्टे ट्यून विद मी। जरा मुझे बताओ भी कि जो 11-12 लोग देख रहे हैं कि उनको व्लॉग क्या पसंद आ भी रही है या नहीं, तो मुझे ज़रा कमेंट्स में सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि डेली व्लॉग कर रहा हूँ, तो बता दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन, तो लेट्स गो फॉर द ऑफिस राइड। काफ़ी अरसे से ना ये मोती का पौधा लगा हुआ है, ये सूख गया है, तो मैंने कहा तो जरा नई ज़िंदगी देते हैं, पानी देते हैं। बाइक का और इस बॉक्स का मुझे बहुत फ़ायदा है, सारी चीज़ें डाली बॉक्स में और निकल चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम रसूलल्लाह। ये इसके शशके भी हैं, सलफ स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गो फॉर द राइड। मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ नहीं तो यार, असल में सर्दियों में यही मसला होता है, बाइक को जो है ना ठंडा करना पड़ता है कुछ देर के लिए, इसी को ठंडा करते हैं इससे पहले। बिस्मिल्लाह। इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करना, प्रॉपर रिव्यू, 1.5 साल हो गया यूज़र रिव्यू। वैसे तो सबको पता ही शराबी है सबकी। तो निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो शायद मैंने बताया नहीं बताया, बाइक के ये चार्जर लगा हुआ है, ट्रेवल चार्जर। यहाँ पर मेरा पाकिस्तान का झंडा लगा होता है, ये जैमर का डंडा लगा हुआ है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, ये बकाया मोबाइल होल्डर, इसको हम बंद कर लें, क्योंकि ये बंद ना होना तो फिर ये सिरक सिरक के पूरा ही खुल जाता है, फिर उसको बंद करना मुश्किल हो जाता है। इतनी देर में हमारी बाइक भी ठंडी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म। ये सेफ्टी गार्ड वगैरह कम्प्लीट लगे हुए हैं, हेलमेट हमारा, हेलमेट के साथ ज्यादती हो रही है यार, सच में तेरा कुछ करते हैं। ऑफिस पहुंच चुके हैं हम, ताले शाले लगा लें बाइक को, लग जा चीज़ें भी निकाल लें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, और ये जो फाइल है ना इस वक्त, ये फाइल बहुत कीमती। लाइट्स ऑफ, ब्यूटीफुल ऑफिस। ये लो जी, अब ऑफिस आ चुके हैं, थोड़ी सी लेंगे ब्रेक आपसे, तो क्योंकि स्टार्टिंग हम शुरू करते हैं, कुछ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सर्चिंग करेंगे, देन हम जो है अपना वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो आगे का रूटीन हम आपके से शेयर करेंगे, स्टे ट्यून्ड विद मी। कल की एक आपको स्टोरी सुनाऊं, कल मैं व्लॉग में नहीं डाल सका, लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं व्लॉग में डाल दूं। कल हुआ इस तरह मेरे साथ कि मैं बैरियर टाउन फेस 7 था, काम के सिलसिले में गया था, वहाँ पर मैंने अपने एयरपोर्ट जो है ना चार्जिंग पे लगा दिए। अक्सर मैं भूलता नहीं हूँ, क्योंकि चार्जर भी मेरा होता है और एयरपोर्ट्स भी मेरे होते हैं और आईफोन भी मेरा ही होता है, लेकिन कल चार्जर किसी का था तो एयरपोर्ट लगा के मैं, एक मेरे कान में था तो एक मैं भूल गया। तो मैं बाइक चलाता हूँ तो बाइक पे जब मैं आ रहा था तो लगाया हुआ था, जब हेलमेट पहनने लगा तो मैंने उतारने की कोशिश की, तो मैंने चेक किया मेरे एयरपोर्ट्स का जो चार्जिंग पोर्ट नहीं है और दूसरा एक पोर्ट अंदर ही है। मैं जी भाई जान परेशान,
क्योंकि कॉपी तो थे नहीं जो 2-3 हज़ार के, ये ओरिजिनल एप्पल के थे, तो मैंने दस्ती ब्रेक मारी और ऑफिस की तरफ निकला और 120 की स्पीड से गया, जाके चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर पड़े हुए थे एयरपोर्ट, तो वहाँ से मैंने लिए। मैंने लगा शुक्र अदा किया, मैं कहीं अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे पोर्ट्स कहीं नहीं गए। तो ये मेरे साथ कल इंसिडेंट हुआ एक, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मेरे पास आ चुके हैं, ये लगे हुए हैं क्योंकि अक्सर मैं यहीं लगाता हूँ, मेरे लिए ईजी होता है यहाँ से लगाना और उतार के वापस डाल देना। अभी ये मुझे दोनों स्टूडियो लाइट्स जो है क्लोज करनी कहीं और जा रही हैं हमारे दूसरे ऑफिस, मैंने क्लोज कर ली यार। मैंने कहा यार कंटेंट मिला है तो बनाओ यार, इसको अनअसेंबल करना है हमने इस वक्त पूरा। मैंने कहा कंटेंट मिल रहा है तो यार इसको शूट भी तो करना चाहिए ना, तो बताना भी चाहिए क्या हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। तो असल में मेरा जो काम है प्रोडक्शन का काम है ज़्यादातर, उस तरह नहीं शौक से चल रहा है, जो जानने वाले हैं तो वो करवा लेते हैं थोड़ा बहुत। हमारे पास कुछ इक्विपमेंट पड़ा वगैरह पड़े हुए हैं, तो अभी ये वहाँ पर जा रहे हैं ब्लू एरिया में, इसको फिर हमने गाड़ी में भेजना है या बाइक पे तो नहीं जाएंगे ये इतने बड़े बड़े थ्रू, तो बाइक पे ही जाए गाड़ी पे ही जाएंगे। तो इसको पहले असेंबल करते हैं फिर जो है इसको पैक करते हैं। लाइट्स सारी पैक हो चुकी हैं, इनमें लाइट्स के होल्डर्स हैं, ये तमाम सामान है, ये है होल्डर है, और हमने जो सामान लेके जाना है ये भी साथ लेके जाना है। तो ये तो मैं ले जाऊंगा, माइक तो वायरलेस माइक है ये तो मैं ले जाऊंगा, बकाया ये चीज़ें जो है भाई हैं मेरे दोस्त वो आएंगे वो ले आएंगे ब्लू एरिया। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, घर से एक चीज़ पिक करनी है, देन जो है मैंने इस्लामाबाद निकलना है। अब वो इंटरटेनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन यार बस बन रहे हैं इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता इंटरटेनिंग भी होते रहेंगे मेरे व्लॉग। बस मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ कैसे जी रहा हूँ डेली व्लॉग बना के। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लग रहे होंगे, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो लेट्स गो, तो निकलते हैं अब यहाँ से। ज़रा सर्दी हो गई है लेकिन अंदर अभी भी ज़रा हल्की हल्की गर्मी लगती है, पसीना आ गया आप देख सकते हैं, लेकिन ये कि इस्लामाबाद में ठंड आ चुकी है, तो रज़ाइयाँ निकाल लो, जैकेट्स निकाल लो। घर पहुंच चुके हैं, घर से मैंने लेना था ये गिम्बल मोबाइल गियर वाला, तो अब हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हैं। ये फ़ायदा इस बॉक्स का, इसके अंदर इतना कुछ आ जाता है, देख रहे हो ये, अगर कोई भी मसला होगा ना ये तमाम चीज़ें मेरे काम आ जाएंगी, रेन कोट है, बैग है, चार्जर है, माइक है, सब चीज़ें हैं। इस्लामाबाद ब्लू एरिया पहुँच चुके हैं, यहाँ पर ऊपर ऑफिस है, तो चीज़ें निकालते हैं लेके चलते हैं ऊपर। ऑफिस हम पहुँच चुके हैं, ये है ऑफिस, एक चेक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ऑफिस का काम भी कर लेना चाहिए हमें। ऑफिस से हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हैं, एक बंदे को TCL की LCD लेके देनी है, तो वो लेके दे रहा हूँ, दिखाते हैं आपको TCL का ऑफिशियल शोरूम। ये है TCL का ऑफिशियल स्टोर ब्लू एरिया में, ये है वो मॉडल जो लेके दिया, LCD लेके दे दी। ये है व्यू हमारे ऑफिस से के सामने का, लेके बैक साइड पे ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ब्लू एरिया इस्लामाबाद। ये शशके इस्लामाबाद के यार अचानक ही नज़र पड़ी है, ये देखो पानी पीती हुई। आज का दिन कोई इतना खास नहीं है, क्रिएटिव नहीं है मुझे शायद लग रहा है, लेकिन आप बताएं कि कैसा रहा आज का दिन। अभी दिन बाकी है, व्लॉग शूट होगा, तो आप बताएं मुझे, सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि व्लॉग कैसे जा रहे हैं। मैंने एक लिया एक स्टेप के मैं डेली व्लॉग करूँगा, आई हैव नो आइडिया कि कब तक चलता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको चलाऊँ इंशाल्लाह। तो अभी तो ब्लू एरिया ही में हूँ, एक दो काम है, तो वो काम क्लियर होते हैं तो देन आपसे रुजू करते हैं।
इस वक्त मैं अभी अपने रूम में पहुंच गया हूँ, अभी फ्री हुआ, रोटी शोटी खाई है, वही दोस्त की तरफ गया था, वीडियो शीडियो बनाई है उसकी, तो अब जो रोटी शोटी खा के इजी हुए हैं, अभी रूम में आया हूँ, वुजू करूँगा, नमाज पढ़ूंगा, देन जो है सोने की तैयारी होगी। तो ये था आज की हमारी रोटी, तो कल मिलते हैं कल के ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। मिडनाइट ग्रेवी।